विनती करता हूँ कि रखिए, क्या किया आपने नागौर के साथ, एनएससीएम के साथ क्या रखा, क्या अकाउंट ठीक किया है, आपने? अब आप काउंटर लीजिएगा, पहले ललित अंबरदार को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम आप जवाब देंगे। मैं सब पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में अपनी ओपिनियन नहीं देता हूं, और ये मेरा जाती मामला नहीं है, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। जितनी मुझे समझ है मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहता हूं। वाजपेयी जी ने जो आगरा का समिट करने वाले थे, भगवान न करे अगर वो सक्सेसफुल होता तो आप जानती हैं आप क्या करने वाले थे, ये आपको सबको समझ आनी चाहिए। उसके बाद मनमोहन सिंह ने जो कसर छोड़ी थी, जो वहां कसर बच गई थी, मनमोहन सिंह आगे ले गए, उन्होंने शर्मल शेख में क्या किया, आज ये मुंबई मैसेकर के बाद 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मनमोहन सिंह कहते हैं पाकिस्तान को एक चिट सर्टिफिकेट दे दिया, दीज आर मैन ऑफ पीस। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के संदर्भ में, मैं इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात करता हूं, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका आपको मानना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, जिस दिन जो आप स्पेकुलेशन करते हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नागा को दिए, कि आपको कैसे मालूम, नागा लोग तो क्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी नागा ग्रुप ने इसको क्लेम नहीं किया है जब तक लिए। जिस दिन ऐसा होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी की मेरे देश को आगे 1000 साल तक जरूरत है, मैं उनके अगेंस्ट बोलूंगा। दूसरी बात, कश्मीर के संदर्भ में आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, आप जो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मिस्टर बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, मेरी ओपिनियन सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में है, नॉर्थ ब्लॉक की हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बहुत पुख्ता है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में दुनिया की कोई ताकत, भारत की तो छोड़ो, ये नहीं रूल आउट कर सकती कि दोबारा पुलवामा नहीं होगा। आपका रजौरी के अंदर जम्मू के अंदर है, बहुत लोग भारत में मालूम नहीं है, रजौरी कश्मीर नहीं है, 300 किलोमीटर दूर है रजौरी, हिंदू रहते हैं वहां पे, ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए, देख के उनको कत्ल किया, और कुछ ठीक है, दिन पहले उन्होंने जवाब ले लीजिए, जफर इस्लाम भी हमला किया था, तो वो जफर अपने इस्लाम आपका पॉलिटिकल, आप समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, नहीं है, आपको आज की तारीख में समझना पड़ेगा, ये जहाद है, गजवा इनकी लड़ाई है, कश्मीर उनका हैंगी ग्रुप फूट दिखता है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले में, आप ये मत सोचें कि तिरंगा खड़ा करके आप उनकी वफादारी जीत सकते हैं। लेफ्टिनेंट फयाज हिंदुस्तानी है, लेफ्टिनेंट फयाज हिंदुस्तानी है, राइफलमैन औरंगजेब हिंदुस्तानी है, लेकिन जिनका दिल जीतने की आप कोशिश कर रहे हो, जो पिछले 70 साल से जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप तक रहे, आप देखते हैं शेख अब्दुल्ला जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 370 दिया था, उसको 10 साल जेल में रखा था देशद्रोह के नाम से। ठीक है सर, अभी प्लीज, ठीक है, आज के डिबेट को वापस आते हैं, जवाब दीजिए जफर इस्लाम। चीन के द्वारा 370 लूंगा, अब कहता नहीं जो हमारे सैनिक जो है वो बलवान है, किस पर विश्वास कर रहे हैं आप? देखिए, भावुक होके कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, भावुक होके मैं भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सरकार, हमारी सरकार, अगर कोई एक सरकार है जो वाकई कश्मीर के मसले को सुलझाना चाहती है, कश्मीरी भाई बहन चाहे वो पंडित भाई बहन हो, उनकी चिंता करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारत की आज की सरकार है। बाकी लोगों ने तो वहाँ पर सिर्फ जो है अपने फायदे के लिए काम किया। आज देखिए, हुक्का पानी बंद करने वाली कौन सरकार है? हुर्रियत के हुक्का पानी बंद करने वाली हमारी सरकार है। पहले का आप जरा सा, मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूं, और आज देखिए वो मिसाल आपके सामने है क्या? आप जरा देखिए, वहां से जब भी अगर पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई इन्विटेशन आता था तो हुर्रियत के सारे लोग उछलते कूदते कश्मीर से पहुंच जाते थे, पाकिस्तानी एम्बेसी में अटेंड कर लेते थे। आज किसी की हिम्मत है अटेंड कर पाएगा? कोई इन्विटेशन जा सकता है? उससे समझ में आता है कि आज की सरकार उस पूरे टेररिज्म को समझ के और उसको खात्मा करने की तैयारी में हर तरह से जुटी है, और खत्म हो रहा है। अगर एक दिन में आप चाहते हैं कि कोई मैजिक वैंड तो नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर में ऐसी ऐसी स्लीपर सेल हो, चाहे उसी मानसिकता के लोग हो जो देश को तोड़ने वाली मानसिकता के लोग, उनके साथ सख्ती से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सख्ती से निपटा जा रहा है। ये कहना कि नॉर्थ ब्लॉक में इस चीज की समझ नहीं है, और सिर्फ कुछ लोगों को, उनमें आप भी हैं जो कश्मीर के मसले को ज्यादा अच्छा से समझते हैं, मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन मैं भावुक होकर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आपके साथ हमारी सरकार खड़ी है, और आपकी समस्याओं का समाधान यही सरकार करेगी। ठीक है, मैं एक कमेंट लूंगी, पहले राजीव रंजन जी आपकी बात, उसके बाद घनश्याम तिवारी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, सबसे पहले जफर इस्लाम साहब जो भी बोल रहे हो जी, लेकिन कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है, और ये सच है, ये कश्मीर का जो दर्द है वो ललित अंबरदार जी की बातों से समझने की जरूरत है। हम सब सियासत करते हैं, लेकिन आम लोगों
कि कठिनाइयां किस कदर बढ़ी हैं और कश्मीर की सियासत को जो वहां के लोग समझ सकते हैं उस हद तक पैनी नज़र हमारी और आपकी नहीं हो सकती है। हम फायदे और नुकसान की दृष्टि से देखते हैं। इन्होंने पलायन देखा है, हत्याएं देखी हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर नरसंहार देखा है, तो इनका दर्द तो मैं कह सकता हूं इसकी कोई भरपाई नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर, कल तक आप ये कहते थे कि दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक आतंकवाद है और आज 300 किलोमीटर वैली से 300 किलोमीटर दूर राजौरी में जो घटनाएं हुई, मुझे लगता है ये आपको सोचना पड़ेगा कि जितने बड़े बड़े हवाई वायदे आपने किए, कश्मीर के हालात पहले से बदतर होते जा रहे हैं और इसको संभालने की जवाबदेही आपकी है। और मुझे लगता है रॉ वगैरह जैसे सवालों को लेकर के आईटी का, बीजेपी की आईटी का सामने आना और कई गड़े मुर्दे उखड़ना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कई चीजें सामने आएंगी आरोपों और प्रत्यारोपों के जरिए, जिससे बहुत सारी चीजें जो इस देश के लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी पता होगा और दुश्मनों को भी पता होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, सरदार सरोवर और जो आज हम बात कर रहे थे मेधा पाटकर जी की, ये पर्यावरण बनाम विकास की लड़ाई थी। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन हो, पर्यावरण बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल को लेकर के, सरदार सरोवर डैम को लेकर के अगर वो पूरी दुनिया में उनके अभियान को सराहा गया और ये उनको भारत तोड़क मानते हैं, कन्हैया कुमार के खिलाफ तो ये कुछ साबित नहीं कर पाए। देखिए, इस तरह से ठीक है, एक सफल यात्रा को आप लांछित और प्रताड़ित करने की कोशिश कितना भी करेंगे, जिस कदर जनता का समर्थन मिल रहा है, जन संवाद लोकतंत्र में बराबर सराहना की जानी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। आपके नेता केवल हवाई यात्रा करते हैं, साबित करना जो है वो कोर्ट का मामला, कोर्ट में है। लेकिन जो एविडेंस है और जो जो देश को तोड़ने वाले नारे लगे कन्हैया कुमार के, इसमें सबको बाल, आप उसके वीडियो हमारे रंजन जी ने भी, राजीव रंजन जी भी ने देखा है और बाकी पैनलिस्ट ने देखा है और आपने भी देखा है। बात तो यह है कि देखिए, ऐसी ताकतों को अगर आप सराहेंगे, उसको ताकत और देंगे, तो देश का नुकसान होगा। अगर उसके बारे में मैं चुप रहता और हमारी पार्टी चुप रहती तो हमको, देश को नुकसान होगा। आप चुप रह सकते हैं इसलिए कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। हमें देश को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत करना, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम जब देश की बात आती है तो सबसे सर्वोपरि हमारे लिए देश हो जाता है। आपके लिए नहीं हो सकता, हो सकता है आपके लिए परिवार हो जा सकता है, आपके लिए कोई आपका लीडर हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि आपकी कुछ और कठिनाइयां हो सकती हैं, आपके लिए अलायंस पार्टनर दादे हो जाता है। लेकिन हम अलायंस का भी पूरा पूरा मान सम्मान करते हैं और धर्म निभाते हैं, कोलिशन धर्म। लेकिन अगर वो देश, अगर वो कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहां देश को प्राथमिकता देनी है या अलायंस पार्टनर को, तो